लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं, लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। जी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी। देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता। कन्हैया कुमार की हम बात करें तो सभी जानते हैं कि कन्हैया कुमार को लेकर वो जिस तरह से अपना भाषण देते हैं हर कोई काफी पसंद करता है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर कन्हैया कुमार सामने आए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की जैसी जो है चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से वो एक नक्शे कदम पर चल रहे हैं राहुल गांधी को वो दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, सिंधिया कांग्रेस में भ्रष्ट थे, भाजपा में मंत्री कैसे बने कन्हैया कुमार, ये बात भी सामने आ रही है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर अपना भाषण देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें गुजरात में जिस तरह से चुनाव जोरों शोरों पर है, जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही है, कन्हैया कुमार इधर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी अपने वहां पर दौरे पर पहुंचे, लेकिन वहीं कन्हैया कुमार जिस तरह से नक्शे कदम पर चल रहे हैं, एक चीज समझ आ चुकी है, कन्हैया कुमार के भाषण कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज में अपनी तरफ तो कर ही लेंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी ने बिल्कुल एक जैसी दाढ़ी कर ली है, तो यहाँ पर एक भाईचारा भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए हैं। कन्हैया कुमार ने मीडिया से बात भी की और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की दाढ़ी पर हमला कर दिया। बीजेपी की तरफ से एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की दाढ़ी बाहर के नेता जैसी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखे इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि लोग गाड़ी कैसे रखें, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी लोग कैसे रखेंगे। देखिए हर कोई जानता है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार जिस तरह से अपने भाषण देते हैं लोगों को प्रभावित कर देते हैं, और वहीं पर अपने भाषण के साथ हमेशा इस तरह की पंच लाइन देते हैं कि वो काफी इंटरेस्टिंग लोगों को लग जाती है, और यही वजह है कि युवा कन्हैया कुमार को बहुत पसंद करते हैं और वो है भी युवा नेता, और कांग्रेस अपने युवा नेताओं को रखकर कहीं ना कहीं युवाओं को अपने तरफ कर लेता है। और जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी की दाढ़ी पर बीजेपी की तरफ से हमला बुला है, तो यहाँ पर दाढ़ी की जगह गाड़ी कहते हुए कि गाड़ी लोग कैसे रखें इसकी आप चिंता कीजिए यहाँ पर कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल को लेकर हमेशा बीजेपी पर हमला बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है कि बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी जिस तरह से पेट्रोल के दाम है इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और बिल्कुल आपको बताना भी चाहेंगे, क्योंकि आगे एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे कन्हैया कुमार किस तरीके से और क्या क्या आरोप बीजेपी पर लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में कहते हैं कि हम खाली खाते हैं, लेकिन देश के लोगों का सवाल है कि वह थाली में है क्या। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में दाल 200 रुपए किलो है, देश में लोग थाली में क्या खाएंगे इस सवाल का आप जवाब दें। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी लगातार बुनियादी सवालों के लोगों को भटका रही है, मतलब यहाँ पर कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी जब भी कोई सवाल उठाती है वो बेबुनियाद होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, तो यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए। और क्या क्या चीजें कही है चलिए वीडियो में दिखाते हैं आपको, देखिए वीडियो। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। ये अभिनंदन वंदन और स्वागत जो है मध्य प्रदेश में आकर के सीखा हूँ। आप भारत जोड़ो यात्रा के हर बैनर पे ये लिखा हुआ आप देखे होंगे, और विशेष रूप से मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि रागिनी जी ने बताया कि इस प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु हैं,
तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आप सबके मन में भी जो है एक उत्सुकता रही होगी, और हमारे मन में भी जो है यह बात थी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, जनता इसका किस तरीके से अभिनंदन करेगी, पत्रकार साथी जो है किस तरीके से इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सब ने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली, उसी स्वरूप में उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया, आप लोगों ने जो है उसको कवर किया। और जैसा कि स्वाभाविक है, भाजपा अपने उलझुलूल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है, तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी, वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुँचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूर्व से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा, और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी। और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है, तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे? लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे? प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं? जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका, इतनी खराब सड़कें। और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं,
आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं। और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे और एकजुट देश देश की प्रगति रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदाही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया।